हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन रिएक्शन मुराद सईद के ऊपर जो उन्होंने रिएक्शन बनाया है, हम उसका रिएक्शन बना रहे हैं, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो हमें सपोर्ट करें प्लीज़, हमें सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छा बोलते हैं मुराद सईद साहब, और देखते हैं इनका रिएक्शन क्या है और फिर आगे हम बातें करते हैं। तो चलो चलिए देखते हैं। पैशनेटली बात करते है ना? हैं, ये पाकिस्तान को बड़ाई झंपों में नहीं शामिल करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू आज। और आज हम लेके आए मुराद सईद टिकटॉक पार्ट टू का रिएक्शन। सो मुराद सईद जो टिकटॉक हमने पार्ट वन देखा था, उसमें हमें उनकी बेबाक तरीके से वो बोलने का तरीका दिखा था, एंड वो किसी से नहीं डरते। लाइक ये मेरे ख्याल से पीटीआई लीडर्स की खासियत है कि वो लोग जो बोलना होता है ना वो सामने आके बोलते हैं, और ये वैसे ही लीडर है। और साथ में ये थोड़ा सा शेर व शायरी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, और वो बिल्कुल अपने सारी कर लेते हैं इनमें यहाँ पे, तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं और अपनी बात रख पाते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में और कौन सी वीडियोस आई हैं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे वो जो भी चीजें हैं वो बोल देते हैं, काफी मुफलत है, और इनको शेर शायरी करने का बड़ा शौक है। हम लोगों ने इनकी लास्ट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली शायरी देखी थी, वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। और कह सकते हैं कि ये मतलब कि ठीक है कि शायरी वगैरह तो करते हैं, लेकिन ये साथ में इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा है। बाकी देखते हैं कि ये वाले इनके टिकटॉक कैसे होने वाले हैं। मुझाकरात में जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद है, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं उनसे मिला, तो उनको देखते ही मुझे एक गाना याद आ गया कि छोटा सा मैं उन चारों पर काम करूंगा बड़े बड़े। अच्छा, नौजवान रुकन कौमी असेंबली है, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है। सियासत में इतनी छोटी उम्र में कदम रखा उन्होंने, और ये सोच के रखा कि जो तो बुजुर्ग सियासतदान है वो तो कुछ नहीं कर पाए, तो मुझे ही आगे आना पड़ेगा। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं जनाब मुराद सईद साहब। सबसे पहले तो वेलकम कहते हैं मुराद जी आपको, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द वे फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। आप तो शरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि भाइयों आपने देखा कि मुराद सईद साहब बोल रहे थे और कितने खुश हो रहे थे, इंडिया वाले लोग भी उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। मुराद सईद साहब बहुत ही अच्छा बोलते हैं और बहुत ही शायर व शायरी भी करते हैं, और कभी कभी बहुत ही अलग स्टाइल में बोलते हैं। तो प्लीज़ जितने मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।